नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश के दो राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश पर राजनेताओं सहित आम लोगों की भी निगाह टिकी हुई है। गुजरात में घोषणा हो चुकी है चुनाव होने की और 5 दिसंबर को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रचार जोरों पर है। नेताओं के द्वारा सभाएं जबरदस्त तरीके से की जा रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्य लड़ाई देखी जा रही है। आपने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने नाको चना चबाने का काम किया है हिमाचल प्रदेश में भाजपा नेताओं को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में है, लेकिन पिछले 39 साल से यह परंपरा है कि जिसकी सरकार रहती है फिर दोबारा उसकी सरकार नहीं बनती है। कांग्रेस कसकर मेहनत कर रही है। प्रियंका गांधी भारतीय जनता पार्टी के नाक में नकेल कस दिया है। प्रियंका गांधी की तेज, प्रियंका गांधी की हंसी, प्रियंका गांधी की ओजस्वी भाषण मोदी के भाषण को फीका कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट मिल रही है सूत्र के हवाले से, और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी होगी। कांग्रेस के साथ कई भाजपा के बागी नेतागण भी हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफी नाराजगी नेताओं कार्यकर्ताओं की देखी जा रही है। साथ ही साथ कांग्रेस के साथ कई दर्जन भाजपा के नेता शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के द्वारा बेटिकट किए जाने के कारण काफी रोष नेताओं में देखा जा रहा है। अंदरूनी भीतरघात की संभावना भाजपा में अधिक देखी जा रही है। 12 नवंबर को मतदान का दिन है। आज तारीख 9, 2 दिन के बाद हिमाचल प्रदेश में मतदान होगी। मतदान में भाग लेंगे, 68 सीट पर मतदान होगा, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और अब प्रचार भी थमेगा। लेकिन जो लड़ाई है, मुख्य लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच है, सरकार बनाम विपक्ष के बीच है। प्रियंका गांधी कमर कसकर पूरे हिमाचल में अपने पार्टी को संभाल रखा है। प्रियंका गांधी की धुआंधार चुनाव प्रचार हो रही है। मोदी जी फोन करके अपने बागी लड़ रहे उम्मीदवारों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ और उसमें मोदी जी की बात सामने आई, काफी वीडियो चैनलों में वायरल हुआ है कि मोदी जी एक बागी जो लड़ रहे हैं एमएलए का चुनाव, उसे समझा रहे हैं कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मत लड़ो चुनाव। तो वह अपने जगह, लेकिन कहीं न कहीं भाजपा की जमीन खिसकती नजर आ रही है। मुख्य मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश में भी देखी जा रही है पहाड़ी इलाके में, बेरोजगारी और नौकरी और महंगाई, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं और भाजपा के लिए यह बड़ा ही कठिन दौर है कि भाजपा कुछ नहीं कर रही, महंगाई तेजी से बढ़ रही है और बेरोजगारी अधिक बढ़ी है, नौकरी लोगों को नहीं मिल रही है। कसम कस की लड़ाई है और भाजपा कांग्रेस की लड़ाई है। 12 नवंबर को मतदान होना है। मतदान के बाद गिनती होगी, उसमें स्पष्ट हो पाएगा। हमें जो सूचना मिली हमने आपको दिया, यही समझ लें कि भाजपा की हालत खराब है, कांग्रेस काफी तेजी से आगे है। जनता का रुख कांग्रेस की तरफ है,
भाजपा में भीतरघात अधिक है, बेटिकट किए जाने वाले भी नाराज हैं, नेताओं की चेहरे पर हवा हवाई देखी जा रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।